वाओ, इतना बड़ा स्विमिंग पूल, जी हाँ, और इतना प्यारा रूम। तो आज हम आपको दिखाएंगे एक रिजॉर्ट के बारे में, जिस रिजॉर्ट का नाम हम आपको अभी जस्ट बता दें, द ब्लैक बग बीच रिजॉर्ट एंड शेक। ये अरंबोल बीच पर पड़ता है और रूम्स आपको अवेलेबल मिलेंगे, पूल इसके इनसाइड में मिलेगा और ये बीच शेक है, क्योंकि जो बीच है वो बिल्कुल इसके सामने है, मतलब अगर आप बालकनी में खड़े होते हैं तो आपको बीच नज़र आएगा। ये जो इनका एक रिजॉर्ट है, अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। स्विमिंग पूल का साइज़ आपने देख ही लिया कि स्विमिंग पूल जो है वो इनका काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है और ग्रीनरी भी इनसाइड काफ़ी सारी है। अंदर आप देख रहे हैं कि पाम ट्रीज लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो जो मैं कहूँगा कि लुक जो है इसका वो बहुत अच्छा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनके जो रूम है वो किस तरीके के हैं। तो आप देख रहे हैं, जैसे हमने एंटर किया तो ये जो लेफ़्ट साइड में दरवाज़ा है ये वॉशरूम का दरवाज़ा है, मैं भी आपको ये भी दिखाऊंगा। नीचे अगर क्लीननेस की आप बात करें, प्लस एक कॉम्बिनेशन पर्दों का, दीवारों का, वो आप बात करें तो बहुत अच्छा है। आप देखिए यहाँ पर आपको एसी भी मिल जाएगा, फैंस भी आपको मिल जाएंगे और लाइट आप देख रहे हैं कितनी प्यारी खूबसूरत लगी है। और ये आपको मिलेगा एक किंग साइज़ का बेड टू पिलोज़ के साथ। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल आप एक जब दूर से सिनेरियो लेंगे इस रूम का तो आपको रूम बहुत अच्छा लगेगा और ये काफ़ी स्पेशियस रूम है। आई डोंट नो कि आप लोगों को वीडियो में कितना बड़ा नज़र आ रहा होगा, बट जो रूम है वो काफ़ी स्पेशियस है। पानी की बॉटल्स भी आपको दो मिल जाएंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है, आउटर जो है वो सब कुछ जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको देखिए यहाँ पे कर्टन मिलेगा, आप इस कर्टन को खोल के आप बाहर बेसिकली आपको बालकनी भी मिल जाएगी। आप अगर वहाँ बाहर टेरेस में बैठना चाहें, आप अगर आप कपल आते हैं तो यहाँ पर आप टी के साथ एंजॉय करना चाहते हैं बाहर बैठकर, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी फैसिलिट की जाएंगी। तो आइए मैं आपको एक लुक दे देता हूँ बालकनी का, कि जो बालकनी है अगर आप उसमें बैठते हैं तो दो लोगों के लिए कितनी स्पेशियस बालकनी है वो। तो आप जैसे सामने देख रहे हैं कि एक कवर्ड भी वुडन का रखा हुआ है, प्लस एक चेयर भी अंदर है और यहाँ पर भी एक कर्टन आपको मिल जाएगा एक विंडो के साथ। तो ये जो एक वेंटिलेशन है रूम का, वो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है रूम का। और आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी जो बाहर से कैसी है। तो आइए चलते हैं बाहर। तो देखिए बाहर आपको एक टेबल मिल जाएगी, प्लस आपको चेयर्स मिल जाएंगी बैठने के लिए और बालकनी का आप साइज़ देखें तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर अगर बैठना चाहें तो कम से आराम से एडजस्टमेंट करके 3 से 4 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ फुल्ली 2 लोग तो आराम से बैठ सकते हैं। बालकनी के साइड में आपको नारियल का पेड़ मिलेगा, जहाँ पर नारियल लटके मिलेंगे, आप चाहें तो इनको तोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये बालकनी से काफ़ी नज़दीक हैं। तो आप देख रहे हैं बाहर जो है वो पूरी ग्रीनरी है, इवन ग्रीनरी जो है वो बिल्कुल आपके बालकनी से टच होती है। तो आप देख रहे होंगे कि टोटल जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर, एक जो सिनेरियो है, एक जो एम्बियंस है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जितना स्टाफ है सबकी टी शर्ट्स के ब्लैक, मतलब बैक में लिखा रहता है द ब्लैक बग बीच रिजॉर्ट। तो स्टाफ भी आपको प्रॉपरली मिलेगा यहाँ पर। आप नीचे देखिए ये एंट्रेंस है जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, जहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, और यहाँ से आने का रास्ता आप देख रहे हैं कि जो रशियंस हैं वो भी यहाँ पे स्टे करते हैं, मतलब फॉरनर्स भी यहाँ पे स्टे करते हैं एज़ वेल एज इंडियंस, क्योंकि जो एम्बियंस है वो यहाँ का बहुत अच्छा है। और इसलिए आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि जहाँ का एम्बियंस अच्छा होता है वहाँ पर जो रशियंस होते हैं वो ज़रूर स्टे करते हैं, उनको अच्छा लगता है वो चीज़। तो ओवरऑल जो मैचिंग है पिलो कवर बैट की, प्लस जो आपको वॉल्स की है, कर्टेन की है, जो साइज़ है रूम का, वो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मैं आइए अब मैं आपको साथ साथ दिखाता हूँ वॉशरूम। वॉशरूम भी वन टाइम में आपको एक लुक देखकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बेस्टन कमोड के साथ आपको एक बहुत अच्छा एक डिज़ाइनर वॉशरूम मिल जाएगा। आप इसके टाइल्स अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे मैच्ड हैं, मतलब एक घर वाली फीलिंग आती है कि बिल्कुल जैसे आप अपने घर के रूम में रह रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ों को मैनेज किया गया है। कहीं पर भी आपको कोई स्क्रैच डेंट्स दीवारों पर, डोर्स पर नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही मतलब एक क्लीन एनवायरनमेंट के साथ
आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। सिक्योरिटी वाले भैया बाहर देख रहे हैं, वो साइड में बैठे हुए हैं और लोग यहाँ पर आराम से स्विमिंग भी कर रहे हैं आप जैसा देख रहे हैं। तो रूम के बाहर आपको एक व्यू भी मिल जाएगा, पूल व्यू, और बैक साइड में आप के देख रहे हो पीछे और भी रूम है। तो अगर मैं बात करूँ इस रिज़ॉर्ट की, तो ये इसका एंट्रेंस है, बिल्कुल बीच से लगा हुआ है। तो आप यहाँ से जब एंट्री करेंगे तब जाके आप उस वाले एरिया में पहुँचेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। ये उसी होटल का अपना रेस्टोरेंट है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, इन चेयर्स पे बैठ के सामने बिल्कुल बीच का नज़ारा ले सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे बैठते हैं तो आपके बिल्कुल सामने बीच पड़ता है। तो अभी तो ये दोपहर का टाइम था, तो अभी ज़्यादा क्राउड था नहीं, और अदरवाइज शाम को यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्राउड रहता है, और ये मान के चलिए कि रिज़ॉर्ट फुल्ली पैक्ड रहता है। तो गाइस होपफुली आपको ये रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो वीडियो है ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, हमने जस्ट यहाँ पर खुद स्टे किया था तो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा था, तो हमने कहा लाओ हम यहाँ पर एक वीडियो बना लें। तो ओवरऑल में आपको ये रिज़ॉर्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप मेरा रेफरेंस देते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू गाइस, आज की वीडियो बस इतना ही, अगला वीडियो फिर हमारा आने वाला है अरंबोल बीच पर, तो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद माई चैनल। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।